जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना चाहते हैं, चाहे वो 15 वर्ष पुरानी हो या आपकी गाड़ी आप बेचा है आपने, तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, या फिर अगर आप एक सेलर हैं तो भी ध्यान रखें, साथ ही साथ अगर आप एक बायर हैं गाड़ी को ख़रीद रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं गाड़ी को ओनरशिप लेने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आज को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स ये आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफ़र अगर होता है, चाहे वो बायर हो गाड़ी को जो अपना ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा हो या सेलर हो, ये दस्तावेज होने चाहिए उस गाड़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इस वीक ऊपर आपको जानकारी देने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओनरशिप ट्रांसफ़र, ठीक है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिएगा। शेयर करने से ये होगा कि सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको नहीं पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो सारी चीज़ उनको पता हो जाए। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर को आपको मिलती रहेगी। आइए बढ़ते हैं अपना टॉपिक पर, आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर इंडिया में हम बात कर लें तो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही हैं, क्योंकि इंडिया में नया नियम लागू हो रहा है, लागू हो चुका है पुरानी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। खासतौर पर दिल्ली NCR में लोग काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स को अपना बेच रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये दस्तावेज होने चाहिए, तो इसी के बारे में अब वीडियो बताने वाला हूँ आप सभी को। आइए बताते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सबसे पहला ओरिजिनल RC होना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी को बेच रहे हैं तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे करेंगे आप, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र जब होता है, चाहे आप बायर हों चाहे सेलर हों, सबसे पहले आपकी गाड़ी के पास ओरिजिनल RC होना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, एक वैलिड इंश्योरेंस पेपर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिना इंश्योरेंस पेपर के आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस पेपर और प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी आपके पास कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट्स इसमें से होना चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस में, ठीक है। और नेक्स्ट है PUC सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो होता है PUCC पेपर, यह बहुत ज़्यादा अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। पता है आपको कि PUC बनवाने की जो फीस है 100 रुपये है, मोटा मोटा हम मान लेते हैं 100 रुपये फीस है इसका हर एक राज्य में, लेकिन अगर आपके पास PUC नहीं होता है, दिल्ली जैसे राज्य में आप पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये का फाइन है, जुर्माना है, चालान है। ये इतना डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। तो नेक्स्ट फॉर्म नंबर 29, फॉर्म 29 आपके पास होना चाहिए ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए गाड़ी का, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको फॉर्म 30 भी लगाना पड़ता है, जिसमें यह आपको बताता है कि आप अपना जो अधिकृत आपका हक है, मालिकाना हक है, वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्स पर्सन को, जिसको आप गाड़ी बेच रहे हैं, जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए फॉर्म 29 और 30, इसी में होता है गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफ़र। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है चालान क्लियरेंस रिसिप्ट, समझ रहे हैं। और उसके बाद होता है आपका टैक्स क्लियरेंस रिसिप्ट, इतने डॉक्यूमेंट। और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपनी गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप RTO में इसको सबमिट कर दीजिए, और मिनिमम कम से कम 15 दिनों तक और मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि मालिकाना हक दूसरे के नाम पर आ जाता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के संबंध में तो कुछ कृपया अपने क्वेश्चन नीचे YouTube कमेंट सेक्शन में, या पर्सनली आप Instagram, Twitter का यूज़ कर सकते हैं, Facebook पेज का वहाँ पर अवेलेबल हैं, Telegram ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं @TechnicalAlokji हैंडल के नेम से आप जाकर फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।